अफगानिस्तान के काबुल में रह गए अंतिम गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले जिसमें ग्रंथी साहिब सहित दो लोगों की मौत हो गई। आतंकियों की इस कायराना हरकत को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा सोमवार को तीन दर्शन मंदिर कैंप वन भिलाई में विरोध प्रदर्शन किया गया एवं आतंकियों का पुतला फूंका गया। जानकारी के मुताबिक जब अफगानिस्तान के काबुल शहर में सिख धर्म के एकमात्र शेष बचे गुरुद्वारे में हमला हुआ, उस वक्त गुरुद्वारा साहिब में 30 हिंदू सिख श्रद्धालु मौजूद थे। उस समय गुरुद्वारा साहिब में कम से कम 15 से 20 आतंकियों ने घुसकर पहले गार्ड को बंधक बनाया और फिर गुरुद्वारा साहिब पर ताबड़तोड़ फायरिंग की एवं आत्मघाती बम से हमला किया। इसके बावजूद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। अफगानी आतंकियों द्वारा लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर सिख समाज को धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह की कायराना हरकत को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा तीन दर्शन मंदिर कैंप एक भिलाई में विरोध प्रदर्शन किया गया एवं आतंकियों का पुतला फूंका गया। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के चेयरमैन जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरनाम सिंह कुक्का ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान में बचे हुए हिंदू सिखों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाना चाहिए। अफगानिस्तान में हुई यह बहुत ही दुखद घटना है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और जो बचे हैं उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे मानवता को शर्मसार होना पड़ रहा है और अफगानिस्तान अब सिर्फ आतंकी स्थान बन के रह गया है। अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे के ऊपर हमला हुआ है उसके बारे में आज छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ हिंदू वीर और सिख जो गुरुद्वारे के अंदर थे उनके ऊपर हमला किया गया और दो लोग तो वहाँ ख़त्म हो गए, बाकी कुछ घायल है और कुछ बच के निकल गए। इसलिए हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो वहाँ बचे हुए हैं उनको वापस अपने देश में लाया जाए और वहाँ रहने का रहने कोई काम बचा नहीं है। तीनों ये दो तीन दिन पहले गुरुद्वारा यहाँ पर कम से कम भी 12 से 15 आतंकवादी जो गुरुद्वारे में काबुल कंधार के गुरुद्वारे में जहाँ घुसे उन्होंने सबसे पहले जो है गार्ड को जो है बंधक बनाया, उसके बाद गुरुद्वारे में घुस के एक ग्रंथी साहिब एवं अन्य लोग की हत्या कर दी। बाकी लोग कम से कम जो उसमें 30 लोग थे उसमें 15 लोग जो अभी फंसे हुए थे जो जानकारी मिली है और 15 लोग जो है वो सुरक्षित हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है गुरुद्वारे में हमला हुआ, जो एकमात्र गुरुद्वारा जो बचा हुआ था उसी को लेकर जो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग की तरफ से आज यहाँ पर जो है आह्वान किया गया था, रोज प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब से ये तालिबान की सरकार आई इससे पहले कम से कम वहाँ 300 सिख थे और जब से ये सरकार आई 140 जो सिखों की गिनती मैं बता रहा हूँ कम से कम सिर्फ 140 सिखों की गिनती है। और अभी जो है जो जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए अभी जो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत से एक विज्ञापन जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें ये लिखा जा रहा है कि कम से कम जो सिख वहाँ बचे हुए उनको यहाँ पर जो सुरक्षित लाया जाए और उसमें कम से कम जो 100 लोगों का वीज़ा है वो भारत सरकार द्वारा ई वीज़े के तौर पर उनको दिया गया है और बाकी भी जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाए। और इसमें यह साबित हो रहा है कि वहाँ का जो मकसद है उनका मकसद है जिहादियों और आतंकियों का मकसद सिर्फ वो सबके सामने समझ में आ रहा है कि क्या कौन सा मजहब वहाँ पर चाहते हैं, किसी अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग की तरफ से यही बार बार बेनती कर रहे हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री जी जो वहाँ बचे लोग हैं कम से कम उनको भी यहाँ पर ला कर सुरक्षित रखा जाए, कम से कम अपने घर में वो यहाँ पर सुरक्षित। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के मेंबरों सहित सिख समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।